यस मेरी बीबी ओमान में जितने भी जो भी शॉपिंग मॉल में जाती है पूरे उसकी गंदगी फैलाती है। सब झूठ बोल रहे हैं, अगर खा रही हूँ तो एक दो स्पॉन गिर गया तो मुझे ब्लेम कर रहे हैं। यस यू हैव ब्लेम्ड फॉर व्हाट वी हैव डन। अच्छा चलिए, हम आए हैं मेरे बेटे के बर्थडे के लिए शॉपिंग करने, ग्रोसरी और शॉपिंग हो गया एंड फाइट भी हो गया है, वन फाइट इज फिनिश्ड। अरे हर घर में होता है, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कुछ खरीदना चाहते हैं, ये मेरा चॉइस है वो मेरा चॉइस, इसलिए होता है, तो आप लोग भी समझेंगे। तो लास्ट में जीत हरदम मम्मी की होती है। तो मैंने गुलाब जामुन बनाने का सोचा था, तो मैंने प्रिया का रेडीमेड जो गिट्स होता है गुलाब जामुन मिक्स उसे लिया आया था। ये एक एक पैकेट 200 ग्राम का है, मैंने 400 ग्राम यूज़ किया है। इसमें जस्ट सिंपल मैंने वाटर ही ऐड करके इसे बस एक सॉफ्ट डो रेडी कर लिया था। और ये मेरी फ्रेंड मेरे साथ ही है, और इसके साथ मैं इसमें 2.5 कप चीनी डाला है, और सेम क्वांटिटी में इसमें पानी भी उतने ही डालूँगी। ये देखिए हमारा डो मैंने 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया था, और ये अच्छा सॉफ्ट हो चुका है। मियाँ मेरा सीरा भी रेडी हो गया है, इसमें मैंने फूड कलर कुछ ज़्यादा, तो मैं हाफ लेमन जूस भी इसमें डाल लूँगी। और अभी देखिए मैंने गुलाब जामुन बस इसे बहुत धीमी आप फ्लेम में इसे पकाया है। सो गाइस, आज कल सौरभ का बर्थडे है, तो रात में देखिए मेरी फ्रेंड सोनाली और मैं दोनों जन गुलाब जामुन बना रहे हैं। सो इसका ज़्यादा मेहनत है, देखिए ऐसे बोलती हूँ जा, बोलती नहीं जाऊँगी मैं, यहाँ रहूँगी, थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी, मेरा हेल्प कर रही है यार, तो बहुत अच्छा है। और इसके चलते मेरा जल्दी से गुलाब जामुन भी बन रहा है, तो मैं दिखाती हूँ कैसे बन रहा है, आप देखिएगा। ठीक
तो मॉर्निंग का टाइम मैंने पूजा किया और गॉड से प्रेरित किया कि मेरे बेटे का लॉन्ग लाइफ के साथ उसका फ्यूचर ब्राइट हो, और बहुत सारा ऐसा चीज़ कि वो एक सबसे पहले एक अच्छा इंसान बने। सो ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, तो मैंने आज इडली और डोसा बनाने का प्रिपरेशन किया था, तो मैंने दोनों को अलग अलग भिगो के रखा था और उसके बाद दोनों को सेपरेटली ग्राइंड भी कर लिया है। अब मैं इडली का बैटर और डोसा का बैटर भी बना लूँगी। एक्चुअली आप जब भी इडली और डोसा का बैटर बनाएं तो आप ओवरनाइट इसे ही भिगो देंगे तो ज़्यादा अच्छा फ्लफी आपका बैटर रेडी होगा। तो वैसे ही मैंने सेपरेट दोनों इडली और डोसा का बैटर रेडी कर लिया था, और इसमें जस्ट सॉल्ट थोड़ा डालना है। सॉल्ट डाल के मैंने रेडी कर दिया था। अब मैं सब्जी बना रही हूँ। थोड़ा मटर मैंने बॉईल किया है और इधर जीरा और प्याज का तड़का लगा रही हूँ। फिर इसमें एक चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है। इसे भी थोड़ा भून लेने के बाद इसमें टमाटर ऐड कर लूँगी, और मैं साथ में नमक भी ऐड करके इसे अच्छे से रेडी कर लूँगी। टमाटर जैसे ही हमारा गलेगा तो मेरा बॉईल किया हुआ मटर है इसमें डाल लूँगी, और सारा मसाला फिर हल्दी पाउडर डाल के इसे अच्छे से रेडी कर लूँगी। तो इसमें ज़्यादा मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्दी और नमक और लाल मिर्च पाउडर ही डालना है। अब मैं चटनी के लिए चना दाल को थोड़ा भून के इसे भिगो दिया था, और इसमें नारियल जिंजर और चिली नमक और चना दाल को ग्राइंड करके एक कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने मूंगफली का किया है, इमली और मूंगफली का चटनी बना दिया था। अब मैं डोसा कर रही हूँ। डोसा एक्चुअली मैं सॉफ्ट डोसा यानी जो उत्तपम बोलते हैं वो बना रही हूँ, तो ये सॉफ्ट रहता है बहुत और अच्छा लगता है खाने में, तो इसे बना ले रही हूँ। देखिए हमारा डोसा बहुत ही सॉफ्ट बना है। सो फ्रेंड, हम बहुत भागा दौड़ी कर रहे हैं, जैसे कि शादी का घर है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम देखिए मेरे फ्रेंड, उसको मैंने अपना काम हल्का करने के लिए सबको काम दे दिया है। एक और फ्रेंड को बोल दिया है एक करी बनाने के लिए, और इसे बोल दिया है करी बनाने के लिए, वो काम कर रही है, और मैं बस नाम का दौड़ा दौड़ी कर रही हूँ, कुछ काम नहीं है मेरा भी। तो बस बहुत सिंपल आसान वाला जो रेसिपी है वो सब मैंने बनाया है, बाकी लोगों को टफ दे दिया है। तो बहुत अब भी मत पूछिए, बच्चे तो बहुत खेल रहे हैं, उन्हें भी जब खिला रही हूँ। और ये मेरी फ्रेंड ने लंच मुझे ज़्यादा हैवी हो जाएगा तो वो उसने खुद बनाया है, और अभी जा रहे हैं उसके घर लंच करने के लिए। तो यहाँ दोनों बच्चे मस्ती कर रहे हैं और आइसक्रीम खा रहे हैं। आइसक्रीम खा के जो घर भर घूम के जो फेंका डूगा किए हैं, अभी उन्हें एक जगह मैंने बिठाया है और इतना इन्जॉयफुल खा रहे हैं। सो मैं इन्हें मांग रही हूँ कि मैं आगे कैसे कर रहा है मेरा बेटा। दे बाबा, ठीक है? टोंडा दे, ठीक है? नो टोंडा चिंकी दे। ठीक है, मम्मी की देखिए ऐसे डेकोरेशन के लिए रेडी हो रहा है, और यहाँ पर मेरे हस्बैंड यानी पूरे डेकोरेशन का काम उन्हें दे दिया है, और बीच बीच में आके मैं इनकी थोड़ा चिल्ली उड़ा लेती हूँ, और मुझे म्यूजिक सुनते सुनते कुछ करना बहुत पसंद है। डैडी मम्मी चल रही चंदी, हाँ ओके बिल्लून। सो गाइस, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं बर्थडे सेलिब्रेशन का नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please subscribe my channel.